नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं प्रतापगढ़ जंक्शन पर हो रहे विकास कार्य प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो विस्तार हो रहा है उसका काम कितना हुआ है, कितना बचा है, उसका कुछ अपडेट लेने आया हूँ। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो विस्तार का काम हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम अभी बचा हुआ है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो विस्तार हो रहा है ये मिट्टी डाल दिया गया है। बगल बगल में RCC का दीवाल जैसा कुछ खड़ा किया गया है। आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, मिट्टी डाली गई है। अब इसके ऊपर फर्श जैसा कुछ बनाएंगे RCC का। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई को बढ़ा दिया गया है और बढ़ी हुई लंबाई के हिसाब से भी अब यहाँ पर ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ तक की काम हो चुका है, जो कि आधा से ज़्यादा काम दिखा रहा है हो चुका है। फर्श बन चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रतापगढ़ से दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस खड़ी है। यह ट्रेन जो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई गई है उसके लंबाई के हिसाब से इसको स्टैंड दिया गया है। पहले यह ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगता था तो काफ़ी पीछे की ओर लगता था, जिससे पीछे की कुछ 3-4 कोचेस प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े होते थे, जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब ट्रेन काफ़ी आगे जाके लग रही है तो यात्रियों के लिए सुविधा तो बढ़ी गई है और चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी वीडियो में देखा कि अभी थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है। JCB, ट्रैक्टर सभी लगे हुए हैं काम पर। अभी इस सब जगह नया नया फर्श बना हुआ है, लेवल हो चुका है, फर्श को भी बना दिया गया है यात्रियों के चलने के लिए। ये सारे नए वर्क हैं जो भी आप देख रहे हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं प्रतापगढ़ जंक्शन का एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से ही नया प्लेटफॉर्म का जो विस्तार किया गया है यहीं से इसका वर्क शुरू हुआ था और आधा से ज़्यादा वर्क हो चुका है। ये सारे बोर्ड भी आगे की ओर चले जाएंगे जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से ही काम शुरू हुआ था। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के विस्तार का अपडेट फ़िलहाल इतना ही है। बाकी कुछ अपडेट जैसे ही कुछ होता है मिलता है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।